पिछले चार दिनों से लगातार हो रही बरसात के बाद कोटा के तीनों बड़े सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था की पोल खुल गई है। सरकार भले ही चिकित्सा व्यवस्थाओं के नाम पर हर वर्ष करोड़ों रुपए का बजट खर्च करती है, लेकिन हालात जैसे के तैसे हैं। सबसे पहले हम आपको MBS अस्पताल के हालात दिखाते हैं। कहने को तो MBS अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अलावा भी बाहर से मरीज इलाज के लिए आते हैं। लेकिन अस्पताल के अंदर आप देख सकते हैं कि हड्डी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, गैलरी, मेल सर्जिकल बी सहित अस्पताल के अधिकतर हिस्सों में पानी टपक रहा है। ऐसे में वार्डों में भर्ती लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप नरा दिन हो गया, आपने कैसे दिया पानी बना धूप आ रहा है तो पानी पानी हो रहा है जो धूप आ रहा है। कितना पानी आ गया था वार्ड में? वार्ड में आते तो पानी आ गया, चपलाई डूब गई। फिर कैसे आपने साफ करा यहाँ पे? मैं साफ तो करे पर अभी ऐसे है ना, पूरा साफ अभी ऐसे करता है रे, जो कहीं करा साफ। परेशानी आ रही? लेकिन परेशानी आ रही, पानी टपक रहा है। कब से? हाँ पानी टपक रहा है। 15 दिन हो गया, 21 तारीख से भर्ती हो रही है। और ये आईसीयू रूम में पानी है, 8 दिन से बरसात हो रही है। और कर्मचारी आओ छे, थोड़ी देर पोछो लगा जाओ, बस पूरा पानी में डूबो आ रहा है। कल कितना पानी हो गया? कल कितना पानी हुआ था बाद में? कितना पानी हो गया, चप्पल चप्पल डूब गई थी। इस मामले को लेकर जब हमने MBS अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन सक्सेना से बात की तो उनका कहना है कि यहां बिल्डिंग काफी पुरानी होने के कारण कुछ वार्डों में पानी टपकने की शिकायत मिली थी। इसको लेकर PWD को अवगत करा दिया गया था, जिसको जल्द सही करवाया जाएगा। यहां JK Lawn अस्पताल है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अस्पताल में लाइट जाने के बाद जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट जाने के बाद पर्ची काउंटर पर लगे सारे सिस्टम बंद हो गए। ऐसे में लगभग 10 से 15 मिनट तक मरीजों की पर्चियां नहीं कट सकी। वहीं JK Lawn अस्पताल की महिला पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है, चारों तरफ पानी टपकता है। ऐसे में यहां पर बैठने के लिए स्टाफ के लिए भी कोई जगह नहीं बची। वार्ड में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा बेड के आसपास से पानी साफ किया जा रहा था। अस्पताल में भर्ती महिला की पति का कहना है कि उसकी पत्नी का रात को रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल में सिजेरियन ऑपरेशन होना था, लेकिन वहां के ऑपरेशन थिएटर में पानी टपकने की वजह से उसे JK Lawn रेफर कर दिया गया। लेकिन जैसे ही यहां आए तो यहां भी चारों ओर पानी टपक रहा था। रामपुरा में तो सर ये था कि हमारे को वहाँ से भेजा गया, वहाँ पर मशीन के अंदर हमारे को ऑपरेशन थिएटर में, हमारे मरीज को ऑपरेशन थिएटर में भी ले गया, लेकिन एंड टाइम पर आके मना कर दिया उन्होंने कि भाई यहाँ करंट है, हमारी कोई रिस्क नहीं है। और बोलने लगे कि यहाँ आए तो यहाँ पर ही पानी घुटने घुटने तक पानी था, रात को 3 दिन बाद वहाँ ब्लड बैंक में भेजा घुटने घुटना पानी, यहाँ कोई सुनवाई सुनवाई नहीं है। और इधर भैया रात को आए खुलासा गिरा हुआ था, गिर रहा था मतलब हमारी आंखों के सामने गिरा हुआ था। इस मामले को लेकर जब हमने JK Lawn अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर HL मीणा से बात की थी, उनका कहना है कि बिल्डिंग काफी पुरानी है, PWD को लिखित में दे दिया गया है ताकि वह इसकी मरम्मत करा सके। लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जहां जहां ज्यादा पानी टपकता है वहां पर ऊपर त्रिपाल डाल दिया गया है, जैसे बरसात रुकेगी ठीक करवा लिया जाएगा। हमने PWD को लिख दिया, दो चार बार लिख दिया, PWD के IN और XN आके वो सर्वे भी कर गए, वो बरसात रुकते उसी तरह से ठीक कर देंगे। और हमने हमारी वैकल्पिक व्यवस्था की थी, क्योंकि बाकी जहाँ से पानी टपक रहा था उस जगह पे हमने फिर अस्थायी रूप से त्रिपाल आते हैं, त्रिपाल जो भी आते हैं वो लगाए थे ऊपर छत पे। कहाँ सिचुएशन ज़्यादा खराब थी? कौन से? ये बी वार्ड में पानी टपक, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी, ये पुराने, ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, तो बी वार्ड में हमने पहले भी मरम्मत भी कराई थी, PWD को लेटर भी लिख दिया है उनसे, उन्होंने पहले मरम्मत की थी इसकी छत की। गायनी को वार्ड के गैलरी में भी वो जब प्रॉब्लम जहाँ है, जहाँ जॉइंट है ना, वो जॉइंटों पे आती है प्रॉब्लम, तो नगर निगम वालों को भी हमने IN को एक्शन को दोनों को बुला के दिखा दिया है, वो भी करें जल्द से जल्द इसकी मरम्मत करें। अब आपको दिखाते हैं रामपुरा सैटेलाइट अस्पताल के हालात। पूरी बिल्डिंग में जगह जगह से पानी टपक रहा है। अस्पताल में रखे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पानी की वजह से भीग गए हैं। अस्पताल में अधिकतर जगह पानी टपकने से यहां पर बैठने वाले डॉक्टरों की सीटें तक गीली होने के कारण वार्ड में लगी पट्टी पर बैठकर मरीजों को देख रहे हैं। इस अस्पताल के अंदर ऑपरेशन थिएटर से लेकर वार्ड तक सभी जगह में पानी आ रहा है। ऐसे में कई बार अस्पताल के अंदर लगे विद्युत पैनल में पानी आने से करंट फैलने का भी खतरा बना रहता है। अस्पताल की व्यवस्था को लेकर जब हमने रामपुरा सैटेलाइट अधीक्षक डॉक्टर RK सिंह से बात की तो उनका कहना है कि यह बिल्डिंग काफी पुरानी है, इसलिए इसमें पानी सीलन आने का ज्यादा चांस हो सकता है। जल्द ही इसकी छत को वाटरप्रूफिंग करवाया जाएगा।